तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कोई स्टेटस ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने वाला है, ये वीडियो लाइट मोशन प्रॉब्लम को लेके मैं बना रहा हूँ। तो दो दिन से बहुत भाई कमेंट कर रहा है कि भाई लाइट मोशन में जो प्रोजेक्ट है इनपुट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे स्टेटस बनाएंगे, तो कोई तो सोल्यूशन बताओ। तो इसलिए मैं एक सोल्यूशन आप लोगों के लिए मैं ले आया हूँ। तो कुछ भी लिंक आपको डाउनलोड करना नहीं होगा, खाली आपको XML डाउनलोड करना होगा और स्टेटस बन जाएगा। तो XML डाउनलोड करके मैं आप सभी को स्टेटस बना के दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। खाली XML को डाउनलोड करके आप स्टेटस बना सकते हो, कुछ भी लिंक आपको डाउनलोड करना नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उस वीडियो को प्ले कर लेना जिस वीडियो का मटेरियल आपको चाहिए, तो उस वीडियो को प्ले कर लेना। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो लिंक है, ये लिंक तो इनपुट नहीं हो रहा है, तो कैसे आप स्टेटस बनाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, XML को डाउनलोड करना है। तो XML को आपको डाउनलोड करना है, डायरेक्ट जो लाइट मोशन में लिंक भेजता है वो वाला लिंक आपको डाउनलोड करना नहीं होगा, मतलब नहीं है, आपको खाली XML को डाउनलोड करना है। तो XML को डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो XML है, देखो मैं ये वाला XML को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो देखो XML को मैं टच कर दिया हूँ, लिंक को टच करने के बाद आपको गूगल ड्राइव में ले आएगा। गूगल ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा ये XML फाइल को। तो कैसे डाउनलोड करना है, देखो यहाँ पर देखो जो XML है वो यहाँ पर हमारा आ गया। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, देखो यहाँ पर जो डाउनलोड ऑप्शन है, ये वाला डाउनलोड ऑप्शन को आपको टच करना होगा। डाउनलोड ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड एनीवे जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन को आपको टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दे देगा। देखो तो सिंपल यहाँ पर टच कर देना, तो हमारा जो XML है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हो ओपन लिख रहा है। तो ऐसा करके सबसे पहले आप लोग XML को डाउनलोड कर लेना। XML को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से बैक हो जाना। और बैक हो जाने के बाद दोस्तों ये तो खाली सॉन्ग हमारा जो बिट मार्क है वो तो डाउनलोड हुआ, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो डाउनलोड करेंगे। तो देखो हमारा जो इफेक्ट है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो अब क्या करना होगा, बैक हो जाना टोटल। तो देखो एलाइट मोशन को ओपन कर लेना सबसे पहले। और एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ऑप्शन है देखो ये वाला जो टेम्पलेट जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन को आपको टच करना होगा। अगर आपका न्यू वर्सन है तो यहाँ पर आपको देखो ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेम्पलेट। और अगर आपका न्यू वर्सन नहीं है तो कैसे आप XML को इनपुट करोगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो स्टेप है इसको मैं अभी पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन जिसको नहीं है, मतलब जिसका ये वाला ऑप्शन नहीं है टेम्पलेट वाला, वो भाई कैसे इनपुट करोगे XML को वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो अपलोड XML फाइल जो है, ये वाला ऑप्शन को आपको टच करना होगा। और ये वाला ऑप्शन को टच करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो आपको फाइल मैनेजर में ले आएगा ब्राउज़र। देखो ये वाला फाइल में रहता है, तो ये वाला देखो मैं फाइल को ओपन कर लिया हूँ। तो ये वाला फाइल को ओपन कर लेना आप भी, जिस फाइल में आपका वो XML रहेगा इफेक्ट और सॉन्ग बिटमार्क, वो वाला फाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे पहले देखो सॉन्ग बिटमार्क जो प्रोजेक्ट है उसको हम इनपुट करेंगे। तो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को देखो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो हमारा जो XML फाइल है देखो सॉन्ग बिटमार्क का, वो यहाँ पर इनपुट हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर देखो लोडिंग हो रहा है। तो देखो हमारा जो सॉन्ग बिटमार्क का जो XML है वो यहाँ पर इनपुट हो चुका है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन को टच करना है और ये वाला ऑप्शन को टच कर लेना। तो देख सकते हो हमारा जो XML है वो इधर इनपुट हो चुका है। तो XML में आपको यहाँ पर जो सॉन्ग है वो सॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा सॉन्ग, क्योंकि इधर अपने आप डिलीट हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं, क्या करना होगा, देखो सबसे पहले सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट जो है वो इनपुट हो चुका है देखो, तो उसको इनपुट कर लेना है। उसके बाद बैक हो जाना। बैक हो जाने के बाद दोस्तों फिर से टेम्पलेट वाला ऑप्शन को टच करना, अपलोड XML फाइल में आ जाना और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। तो इफेक्ट को भी ऐसे करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन को टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो देखो हमारा जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पर
देखो इनपुट हो चुका है। तो अब क्या करना होगा, देखो हमारा जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है इसमें तो देखो सॉन्ग ही नहीं है, तो कैसे आप स्टेटस को बनाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उधर चले जाना, तो मैं सॉन्ग को दे दिया हूँ। जो सुबह जो वीडियो को मैं अपलोड किया हूँ उस वीडियो का जो सॉन्ग है वो मैं टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लेना सॉन्ग को। वीडियो है उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सॉन्ग को कैसे ऐड करना है देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर जो क्लास ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और मीडिया ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों ये वाला जो देखो वीडियो है ये वीडियो को ऐड कर लेना। ये सॉन्ग है तो इसको मतलब वीडियो में बना के रखा हूँ, तो इसको सॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो वीडियो है ये वीडियो लेयर को टच करना है, यहाँ पर जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से एक्स्ट्रा जो ऑडियो है यहाँ पर टच कर देना। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा, ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद दोस्तों ये जो सॉन्ग है देखो हमारा ऐड हो चुका है, तो इसको ठीक से आप लोग ऐड कर लेना बीट में, और इधर से बाकी का पार्ट कट करके हटा देना। ऐसा करके सबसे पहले सॉन्ग को ऐड कर लेना, तो यहाँ पर जो सॉन्ग देखो गायब है वो यहाँ पर आप आ जाएगा अब, तो इसको डिलीट कर देना। और डिलीट करने के बाद ऐसा करके इसको सबसे पहले नीचे ले आना। देखो बहुत ही आसानी से हमारा जो सॉन्ग है वो इधर आ चुका है। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो फोटो वगैरह जो कुछ देना चाहते हो इधर दे दीजिए, और देने के बाद यहाँ पर जो इफेक्ट है इफेक्ट में आ जाना, और इफेक्ट में आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो फोटो है वो भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो इसमें जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट है, खाली फोटो डिलीट हुआ है। तो इफेक्ट को कॉपी करने के लिए ये लेयर कोड आपको टच करना होगा, और इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो सॉन्ग बिट मार रहेगा इसमें आ जाना, और इसमें आने के बाद जो आप फोटो ऐड करोगे उस फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना, तो यहाँ पर फोटो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग स्टेटस को बना लेना। और अब क्या करना होगा, देखो बैक हो जाना, और जिस भाई का यहाँ पर टेम्पलेट वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन नहीं है, वो भाई कैसे XML को इनपुट करोगे वो भाई ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बैक हो जाना, फोन में जो फाइल मैनेजर है उसको ओपन कर लेना। तो देखो मैं ओपन कर लिया हूँ, तो अब भी ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो डाउनलोड ऑप्शन है ये वाला डाउनलोड ऑप्शन को आपको टच करना होगा, और डाउनलोड ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो रहेगा XML वगैरह जो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको क्या करना होगा, देखो ये वाला जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसको देखो मैं अभी लाइट मोशन में इनपुट करके दिखा रहा हूँ देखो, तो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो शेयर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और शेयर वाला ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पर जो लाइट मोशन ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो लाइट मोशन में इनपुट हो जाएगा अपने आप। देखो हमारा जो XML है वो अलर्ट मोशन में चला गया। तो फिर से अलर्ट मोशन को ओपन कर लेना, और अलर्ट मोशन में आने के बाद देखो ये वाला देखो हमारा XML इफेक्ट है, तो इसको ऐसे करके ओपन कर लेना, नेक्स्ट ऑप्शन को टच करना, और नीचे वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो देखो हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ पर इनपुट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे करके आप स्टेटस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मेरा ये वाला वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।